नमस्कार, मैं नीतू चौहान, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। सबसे पहले मैं आप सभी को खबरनामा की तरफ से तीज हरियाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि साल में एक बार हमारे त्यौहार आते हैं और इस बार जो है तीज भी जो है वो आ चुकी है और तीज को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह रहता है। महिलाएं तरह तरह की चीज़ें करती हैं, मिठाइयाँ लेकर आती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, झूले झूलती हैं, क्योंकि तीज जो होती है वो घेवर और झूले के बिना जो है वो पूरा नहीं होता। तो आपको हम अभी इस वक्त तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के धरोहर की। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी दो झूले डाले गए हैं और छात्र छात्राएं, आप सभी लोग मेरे पीछे झूलती हुई नजर आ रही है, तो छात्र छात्राएं जो है वो तीज के महोत्सव पर झूले का पूर्ण रूप से आनंद उठा रही है, क्योंकि मौसम भी जो है वो थोड़ी बरसात का भी मौसम हो रहा है, घने बादल छाए हुए हैं और इस मौसम में तीज आती है और ऊपर से झूला झूलने के एक आनंदमय ही होता है। तो इसी बारे में हम जानकारी के लिए लोगों से भी बातचीत करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे और यहाँ के मुख्य लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में जो धरोहर में इस बार तीज का खास महोत्सव रखा गया, तो उस महोत्सव के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। सभी को तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाली तीज के धरोहर की, तो धरोहर के अंदर जो है अच्छा इंतजाम जो है तीज का किया गया। तो आप सभी को मैं तस्वीरें यहाँ पे दिखा पा रही हूँ कि आप सभी को तीज में जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है वो झलकती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, एक दादी अम्मा जो है वो नाचती गाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर जो है कलाकार भी मौजूद हैं जो हमारे कल्चर को दर्शा रहे हैं। तो झूले का प्रोग्राम भी यहाँ पर किया गया है और देखिए पतंगों से किस तरह जो है पेड़ को सजाया गया है। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें, झूला जो है डाली पर डाला गया है और देखिए हरियाणवी गानों पर जो है वो डांस करती हुई और थिरकती हुई नजर आ रही है। देखिए हरियाणवी गानों पर थिरकती हुई यहाँ महिलाएं नजर आ रही है। तीज का त्यौहार है, हमारी महिलाओं का खास त्यौहार माना जाता है हरियाली तीज जिसको हम बोलते हैं। तो इस दिन जो है बताया जाता है कि हरा रंग बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो इस दिन महिलाएं जो है वो हरा रंग डालती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है इन्जॉय करती है, अपनी लाइफ को इन्जॉय करती है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि वो क्या बताएंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, कहाँ से आए हो मैम? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से हो, तो कैसा लग रहा है आज हरियाली तीज? अच्छा प्रोग्राम आप बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो मतलब कि तीज के बारे में क्या बताओगे आज, इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन क्या बनाना चाहिए? खीर पूड़े हलवा। फैमिली के साथ इधर आए हो? हाँ जी, पोखड़ी फैमिली। कौन कौन आया फैमिली से? बच्चा है, बहुआ, दादिया, पोतिया, पोता। क्या नाम है आपका? जसविंदर है जी। तो देखिए कितना उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है कि मन के अंदर कहीं ना कहीं जो होता है कि एक दिन ऐसा हो ज़िंदगी का कि जिसमें हम नाचे गाए और मन को जो है एक तसल्ली दे कि हाँ हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अच्छे और उत्सुकता से चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हरियाणवी गानों पर लगातार जो है जो हरियाणवी कल्चर को दर्शाकर जो है यहाँ डांस किया जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। जी मैम, क्या बताएंगे आज हरियाली तीज है तो किस तरह से आप लोग एंजॉय कर रहे हो? सबसे पहले हरियाली तीज की आप सभी को, सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमारी यूनिवर्सिटी में ये तीज, हरियाली तीज का जो सेलिब्रेशन हो रहा उसके लिए सबसे पहले बधाई, और बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और एक बार फिर सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तीज के अंदर स्पेशल क्या कुछ होता है जो महिलाएं करती हैं? महिलाओं के लिए तो यही होता है कि मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ डालना, और फिर सारे मतलब अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे देख के। अदरवाइज तो क्या होता था कि कई साल से हम ये कल्चर देखना भूल ही गए थे। पहले गाँव में जैसे होता था कि गाँव में इकट्ठी होती थी महिलाएं मेहंदी लगा के, चूड़ियाँ डाल के, है ना, और स्पेशल खाने भी बनते थे मेरे को लगता है, है ना, खीर बनना, पूड़े बनना, है ना, ये हमारी स्पेशलिटी होती थी तीज पे। और मतलब अब हम लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए थे शायद, मेरे को लगता है कि अपने कल्चर को हमें याद रखना चाहिए। और जैसे आज यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ है, इसके लिए मैं जो भी हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, ऑर्गेनाइज़र है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप देख ही रहे हो बाकी हमारी महिलाएं, स्टूडेंट्स, हमारे सभी टीचर, नॉन टीचिंग वाले सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एक बार फिर सब रजवंत कौर।
तो देखिए बहुत ही ज्यादा एंजॉय जो है वो यहाँ पे है। तो हमारे साथ यहाँ पे पपोसा जी भी मौजूद है जो हमारे हरियाणा कल्चर को दर्शाते हैं। पगड़ी बांधने का काम जो करते हैं बहुत ही अच्छी पगड़ी जो है ये बांधते हैं और कुछ सेकंड में जो है पगड़ी को ऐसा रूप दे देते कि शायद कहीं मिलेगा नहीं। नमस्कार पपोसा जी। जी जी नमस्कार सर। तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है। तीज का त्यौहार ये हमारे सावन में हरियाली का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, प्यार प्रेम और हर्षोल्लास का प्रतीक है। देखिए कहते हैं आई तीज बिखेर की बीज, यहाँ से तीज से हमारा सारे तीज त्यौहार जितने भी हमारे यहाँ से शुरू होते हैं। होली बरके ले गई जोली, होली पे हमारे ये संस्कार खत्म होते हैं। तो हमारे तीज त्यौहार और जितने भी हमारे जो भी हमारे हैं ये साल भर शुरू होते हैं, आज से शुरू होते हैं। और भगवान इंद्रदेव इस समय हर समय खुश होते हैं, जहाँ भी बरसते हैं, बरसना भी चाहिए वहाँ जहाँ जहाँ बूंद पड़ती है हरियाली आती है। तो आज ये देख रहे हैं यहाँ हरियाणा धरोहर में किस तरीके से झूले का अरेंजमेंट किया गया है। मैसेज क्या रहेगा क्योंकि महिलाएं ज्यादा एंजॉय करती हैं इस चीज़। ये हदिया देखिए तीज का त्यौहार महिलाओं का होता है, इसमें कोथरी दी जाती है बहनों को, उनको प्यार प्रेम रिश्ते को रस्में निभाने के लिए। और उसके बाद देखिए सिंधारा जब नई दुल्हन घर पे आती है तो उसका सिंधारा दिया जाता है। तो तीज का त्यौहार अपने मायने में रखता है। यहाँ त्यौहारों की शुरुआत होती है, जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति में जितने त्यौहार है ना उनकी आज से शुरुआत है। सबसे पहला त्यौहार तीज आता है, मैंने पहले बताया बिखेर आई तीज बिखेर की बीज, जितने भी त्यौहार होते हैं उनका बीज आज से बीजारोपण हो। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि तीज का झूला जो है यहाँ पर लगाया गया और बड़ा आनंद यहाँ पे आ रहा है क्योंकि झूला जो है बहुत मजा जो इधर आ रहा है क्योंकि तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ आनंद उठा रही है और झूला जो है विश्वविद्यालय में जो है ये लगाया गया है। तो आप सभी लोग मुझे भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ झूला मैं झूल के आनंद ले रही हूँ और बहुत ही आसान मजा जो इधर आ रहा है क्योंकि तमाम महिलाएं जो वो यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दूं कि धरोहर के अंदर इस समय जो है ये झूला एक पेड़ की डाली पर टांगा गया है। तो देखिए बड़ा आनंदमय जो है यहाँ हम हो रहे हैं। जी मैम क्या बताएंगे, आज तीज का महोत्सव चल रहा है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में झूले का प्रोग्राम लगाया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? हमें बहुत खुशी हो रही है, हम भी पहली बार यहाँ पर झूला झूलने आए हैं। बेसिकली कहाँ से हो आप? हम बेसिकली करनाल से हूँ मैं। तो मतलब क्या लगता है तीज के दिन क्या कुछ हमें अच्छा अच्छा करना चाहिए? अच्छा तो यह कि हंस सबके साथ हंसना खेलना चाहिए, हमें सभी देखो यहाँ पर खुशी मना रहे हैं एक दूसरे के साथ हम भी। और क्या करते हैं इसमें हरियाली तीज बोलते हैं इसको कि सब ना मोस्टली ग्रीन कपड़े ही पहन के आते हैं, ग्रीन जो भी आपकी बैंगल्स वगैरह। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि सावन के महीने में आता है ना, और इस टाइम क्या होता है कि बारिश वगैरह होने के कारण इसमें ना हरियाली आ जाती है आसपास, इसी वजह से इसको हरियाली तीज बोलते हैं। तो आपके साथ कितनी महिलाएं और यहाँ पे मौजूद हैं? महिलाएं तो कह सकते मेरी फ्रेंड्स गुस्सा मान जाएंगे अगर इनको महिलाएं बोल दिया। हम आए हैं यहाँ पर 4-5 सहेलियां आई हैं। ठीक है ठीक है। आज तीज का कार्यक्रम रखा गया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, तो क्या बताएंगे सर? देखो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के धरोहर संग्रहालय का सदैव यह प्रयास रहा है कि हरियाणा की कला व संस्कृति से जुड़े पर्व, उनसे जुड़ी कलाओं का हमेशा संरक्षण करता रहा है। और तीज त्यौहार है जो हरियाणा का एक बड़ा तीज त्यौहार है जिसको सावन के मास में गाँव में मनाया जाता है, परंतु जिस प्रकार से आधुनिकीकरण और शहरीकरण हो रहा है तो हमारी युवा पीढ़ी को इन त्यौहारों के बारे में नहीं पता है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का ये प्रयास है कि इस प्रकार के त्यौहारों को सेलिब्रेट किया जाए म्यूजियम में, और ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन से हमारी पीढ़ियां हैं तो जो हमारे बुजुर्गों के संजोए हुए जो उनकी संस्कृति है वो उन तक पहुंच पाए। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी शिक्षकों विद्यार्थियों एवं कला प्रेमियों के साथ पिछले वर्षों से मनाता आ रहा है और इस वर्ष भी धूम धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया गया। जी सर, इसी बीच में जानना चाहती हूँ कि जैसे महिलाओं के लिए यहाँ तमाम इंतजाम किया गया तो मिठाइयाँ तो बनती हैं, तो मिठाई में क्या कुछ खास किया जी गया? जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि हमारा तो धरोहर संग्रहालय ही संस्कृति का प्रतीक है, तो ना कि हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं और जो त्यौहारों पर बनने वाले व्यंजन हैं उन व्यंजनों को भी इस पर्व पर परोसा गया सभी लोगों को। और हमारे यहाँ व्यवस्था की गई सवालियाँ गुलगुले जो गाँव में वृद्ध महिलाएँ और युवा महिलाएँ बनाती हैं उनकी व्यवस्था भी यहाँ की गई है हमारे यहाँ पे। और जितने भी हमारे इसमें सेलिब्रेट करने के लिए हमारे अतिथिगण हैं सबको वो चीज़ सर्व की गई है, और उसके पीछे भी प्रयास यही है कि उन व्यंजनों का भी हम हमारी युवा पीढ़ी को पता चले। जी जी।